और अब बात करेंगे तुनिशा शर्मा केस की। तो एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मौत मामले में बड़ी खबर आ रही है। आरोपी शिजान को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी में अदालत ने उसे भेज दिया है। गिरफ्तार शिजान खान की वसई कोर्ट में आज पेशी हुई थी। पुलिस ने रिमांड की मांग की थी और 4 दिन के रिमांड में उसे भेज दिया गया है। पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ होगी। जिस तरीके से तुनिशा शर्मा ने सुसाइड किया, कहा जा रहा है कि शिजान खान के साथ वो रिलेशनशिप में थी और ब्रेकअप के बाद इतनी डिप्रेशन में चली गई कि उन्होंने सुसाइड का कदम उठाया। शिजान के वकील ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। आज वसई कोर्ट में शिजान खान को पेश किया गया था। देखिए, अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है? नहीं, ऐसा देखिए, आज कोई भी अगर ऐसा होता है तो इंस्टिगेशन लगता है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा लगाया गया है, ऐसा उसने कुछ किया नहीं। राय साहब, कोई सबूत मिले, कोई कुछ फोन वोन रखा है लोगों ने? नहीं, अभी पुलिस, उसका फोन पुलिस के पास है और अभी तक कोई सबूत जो है मिले नहीं। फोन या लैपटॉप? बस नहीं, सिर्फ। तनिशा शर्मा मामले में आरोपी यानी शिजान खान को वसई कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर कोर्ट ने उसे 28 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को दिन शिजान खान को आईपीसी की सेक्शन 306 यानी आत्महत्या को उकसाने के तहत चार्जेस लगाए थे। एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में तनिशा की मां कंप्लेनर है। उसी के तहत आज संडे के दिन यानी हॉलिडे कोर्ट में वसई के पेश किया गया था। पुलिस ने रिमांड की मांग की। रिमांड हालांकि 7 दिन की मांगी गई थी। इसके लिए पुलिस ने तमाम जो है कोर्ट को दलीलें दी। सबसे पहले कोर्ट ने पुलिस को यह कहा कि शनिवार के दिन ही ये मामला हुआ है, शनिवार के दिन एफआईआर दर्ज की है। अभी तक पुलिस को सही वक्त नहीं मिला है, पर्याप्त वक्त नहीं मिला है आरोपी से पूछताछ करने के लिए। और जितने भी आरोपी से पूछताछ की गई है, आरोपी उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, बार बार अपना बयान बदल रहा है। इसलिए पुलिस को और वक्त दिया जाए ताकि अच्छे तरीके से उसे पूछताछ की जाए। इसके अलावा पुलिस को और भी कई लोगों के बयान दर्ज करने इस मामले में बाकी है। पुलिस ने शिजान का मोबाइल भी जब्त किया। पुलिस को देखना है कि इस मोबाइल में क्या कुछ तथ्य पुलिस को मिलते हैं। इस बीच शिजान की तरफ से उसके वकील खड़े हुए थे। शिजान के वकील ने कोर्ट को कहा कि पूरा मामला बेबुनियाद है, शिजान ने कुछ भी इस तरीके की हरकत नहीं की जिससे परिस्थिति उत्पन्न हो कि तनिशा शर्मा को आत्महत्या करना पड़े। ये पूरा का पूरा मामला बेबुनियाद है, शिजान के खिलाफ कोई भी सबूत या फिर कोई भी मामला बनता ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने पुलिस की दलील सुनी। हालांकि 7 दिन नहीं लेकिन 4 दिन की कस्टडी दी है, यानी 28 तारीख को दोबारा से इस वसई कोर्ट में पेश करना होगा और इस दरमियान पुलिस को बताना होगा 28 तारीख को जब दूसरी सुनवाई होगी कि क्या कुछ सबूत पुलिस को मिले हैं, इन 4 दिन के दरमियान पुलिस ने क्या जांच की और क्या कुछ नए तथ्य 28 तारीख को पुलिस यहां पर लेकर पहुंचेगी। कैमरामैन दिल्ली अवरे के साथ अंकुश जायसवाल, News24 वसई। और मेरे सहयोगी अंकुश इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, आत्महत्या का मामला है और पुलिस इसमें फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 4 दिन का रिमांड मिल गया है शिजान खान का, क्या लग रहा है, क्या जानने की कोशिश पुलिस की तरफ से होगी? देखिए, जब कोर्ट में पेश किया गया था तो पुलिस ने सबसे पहले कोर्ट को यह बताया कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है अभी तक आरोपी से पूछताछ करने के लिए। हाँ, शनिवार के दिन ही उसे अरेस्ट किया गया है, वो भी देर शाम के लिए अरेस्ट किया गया है। और अब तक जितनी भी पूछताछ की गई है उसमें जो आरोपी है वो सहयोग नहीं कर रहा है। इस बीच जे अस्पताल में पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि कहीं पर कुछ फॉल प्ले हुआ है कि नहीं। पुलिस को अपना जाँच का दायरा बढ़ाना है। पुलिस की एक टीम आज भले ही वसई गई थी उस सेट पर जहाँ पर तनिशा ने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस को और भी मौके पर जाके सबूत इकट्ठा करने हैं, लोगों से पूछताछ करनी है, क्राइम सीन को समझना है, तो इस सब के लिए पुलिस को वक्त चाहिए। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन 4 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। 28 तारीख को उसे पुलिस कस्टडी में भेजा है। इस दरमियान शिजान के वकील ने कहा कि पूरे का पूरा केस बेबुनियाद है, लेकिन जो कि मामला किसी के इस मामले में किसी की मौत हुई है इसलिए पुलिस अपना काम करेगी। इसलिए जो समय है वो कोर्ट को, पुलिस को देना ही होगा। कोर्ट ने ये पाया है अपनी फाइंडिंग में। शिजान को अस्थमा की शिकायत है, इस
की जानकारी सेजान के वकील ने कोर्ट को की और घर के खाने को भी कोर्ट ने मंजूरी दी है, यानी दवाइयाँ और घर का खाना भी पुलिस कस्टडी के दौरान सेजान को दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट से मंजूरी सेजान को मिल चुकी है। तो 28 तारीख तक समय दिया गया है। इस बीच पुलिस को अभी 4 दिन है, पुलिस को और तमाम लोगों के बयान दर्ज करने होंगे। इस 4 दिन में अपने सबूतों के साथ पेश होना होगा। जब 28 तारीख को दोबारा इसी वसई कोर्ट में पेश की जाएगी सेजान की, तो पुलिस को बताना होगा कि 4 दिन के दरमियान उसको क्या कुछ नए सबूत मिले, क्या कुछ इस मामले में और भी जो मिस्ट्री बनी हुई है कि ऐसी क्या सिचुएशन हो गई थी, परिस्थिति हो गई थी जितना जिसके चलते इतना बड़ा कदम तनिषा को उठाना पड़ा। बिल्कुल। तो इस वक्त बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई और आ रही है कि तनिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। अंकुश भी बता रहे थे कि शेजान की बहन से भी पूछताछ करेगी पुलिस, यानी कि जितने लोग जानने वाले थे उन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। 15 दिन पहले शेजान के साथ ब्रेकअप हुआ था, डिप्रेशन में थी तनिषा, ये तमाम बातें FIR कॉपी में हैं। इसीलिए अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज किया गया है। ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में तनिषा थी और यही वजह रही कि अब इस मामले में शेजान से लगातार पूछताछ पुलिस कर रही है। विनोद जगदाले मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। विनोद, कई इसमें अहम सवाल भी हैं। एक तो सेट पर आत्महत्या करती है तनिषा और दूसरी तरफ कोई उन्हें देखता नहीं है, कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और शायद वो रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, विसरा रिपोर्ट के बाद खुल जाए मिस्ट्री। देखिए, सवाल ऐसे कई उठ रहे हैं। आपको पता ही होगा जब किसी सीरियल की टीवी सीरियल की जब शूटिंग होती है तो वहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग वहां पर होते हैं, तो ऐसे में वहां पर सुसाइड जो हुआ है वो सवालों के घेरे में आ चुका है। आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पर तनिषा ने अपना एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें वो नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कदम उठा सकती है। बाद में 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली, तो ऐसे कई सवाल है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताया जाता है कि कल सोमवार को ये पुलिस को हैंडओवर हो जाएगी और जिसमें सारे, जैसे मेरे सहयोगी अंकुश बता रहे थे कि सारी चीजें उसमें निकल के सामने आ सकती है। जो शुरुआत की जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो दम घुटने से, गला घुटने से उसकी मौत हुई है, यानी आत्महत्या की बात वहां पर पुष्टि हो रही है, लेकिन बॉडी पर कोई मार्क्स भी नहीं है, ये भी डॉक्टरों के जो सूत्र है वो हमें वहां पर बता रहे हैं। तो अब इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो शिंदे फडणवीस सरकार है उस सरकार के एक विधायक है राम कदम, उन्होंने थोड़ी देर पहले अपने एक वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश पुलिस को वहां पर दे दिए हैं। इसके अलावा तनिषा के जो आत्महत्या के मामले में हम ये भी देखेंगे क्या ये लव जिहाद का मामला था क्या, अगर उसमें ऐसा कोई एंगल, कोई भी बिंदु नजर आता है तो यहाँ पर पूरी कार्रवाई हम करेंगे। इस लव जिहाद के पीछे कौन सा षड्यंत्र है या कोई षड्यंत्रकारी लोग है उनसे भी पर्दा उठाने की बात वहां पर अब ये कर रहे हैं। यारे, अब मामला राजनीतिक भी हो चुका है और वहां पर अब लव जिहाद से इसको जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। राम कदम ने कहा है कि लव जिहाद एंगल से भी इसमें जांच होगी। शुक्रिया आपका विनोद, पूरी जानकारी देने के लिए। अंकुश, आप भी नजर बनाए।